मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। लेकिन तुम तो इतने छोटे दिल की निकली। प्लीज सादान, मुझे इस वक्त तो तंग मत करें आप। तुम्हें तो चाहिए था कि उनका डटकर मुकाबला करती। ठीक है, मैं मुकाबला करती और वो मुझ पर गोली चला देते फिर। मौन, मजाक कर रहा हूँ। तुमने जो कुछ किया ना, बिल्कुल ठीक किया। जिंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत अहम है। जिंदगी बच गई तो सब कुछ बच गया, है ना? अच्छा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है और ड्राइवर ने अपना बयान भी दे दिया जाकर। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने सब कुछ तुमसे छीन लिया लेकिन ड्राइवर से कुछ भी नहीं लिया। प्लीज सादान, अब कम से कम ड्राइवर पे तो शक ना करें आप। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा सरप्राइज, ये रहा आपका नया फोन, लेटेस्ट मॉडल है, पिछले वाले से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए उस फोन को अपने दिमाग से निकालो, उस सदमे को उठा के कहीं बाहर फेंक दो। ऐसे कैसे भूल जाऊं उस फोन? सादान, उसमें इतनी मेमोरीज थी हमारी, शादी की पिक्चर्स थी, इतना डाटा था, मैं कैसे भूल जाऊं? ऐसे कैसे रिकवर हो जाएगा सब? डाटा तो रिकवर किया जा सकता है। और जहां तक बात है पिक्चर्स की, वो तो मेरे फोन में भी, शादी की पिक्चर्स, तुम्हारी मेरी, अहम तो वही है ना। ऐसे हंसती रहा करो, खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। तुम उदास होती हो ना तो सारा घर परेशान हो जाता है। मामा और सारे भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। अरे आपको तो मैं बतानी ही भूल गई, आपको पता है मैं मामा की तरफ क्यों गई थी? नहीं, जिस वक्त तुमने कॉल की ना, मैं मीटिंग में था। सादान, मैं पप्पो बनने वाली हूँ। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पप्पो बनने वाली हूँ, इसका मतलब मैं पप्पा। पप्पा कितना अजीब वर्ड है। मैं उसे कहूंगा मुझे अंकल कहे। अंकल से है ना? पप्पा नहीं।